एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया है, उनके बारे में डिटेल पढ़ लिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, उनको भी हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर, जो एंजाइम्स से रिलेटेड तो हैं लेकिन कुछ बेसिक्स बताए जाएंगे इसमें। देखिए, एंजाइम कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से कई मामले में डिफरेंट होता है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का मतलब है जैसे निकिल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, और एंजाइम कैटालिस्ट तो जान ही रहे हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, सेल के अंदर बनते हैं, ये मेनली प्रोटीन होते हैं या कभी कभी न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए के बने होते हैं। तो एंजाइम कैटालिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एक दूसरे से डिफर करते हैं इन मेनी वेज, लेकिन सबसे बड़ा अंतर जो देखा जाता है वो ये कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क इफिशियंटली एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जबकि जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता यानी उनका जो कैटालिटिक पावर है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, तो आइए इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि एंजाइम कैटालिस्ट एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स डिफर इन मेनी वेज, ये इन बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो डिफर इन मेनी वेज कई तरीके से डिफरेंस दिखाते हैं, लेकिन जो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर और बेहतर काम करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, ये और बेहतर बेहतर काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप मेंशन कर लेंगे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? अंतर तो बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है जिसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है, डिफरेंस क्या है कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क इफिशियंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, वेज एंजाइम्स loses their activity at high temperature and high pressure, ठीक है, whereas enzymes get damaged at high temperature and इसमें एनसीईआरटी में केवल high temperature लिखा है, high pressure पर भी ऐसा है, at high pressure, और खासकर जो बॉडी टेम्परेचर है, हम ह्यूमन के ज्यादातर ऑर्गेनिज्म की बात करें उसमें ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व है, वो अगर बॉडी का टेम्परेचर उनके 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर हो जाएगा तो वो उनकी एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी, और जो नॉर्मल प्रेशर उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो भी एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, को हमने जब इफेक्ट ऑफ पीएच एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया था, तो ठीक है ना। तो ये हो गया कि व्हेन एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो लूजेस देयर एक्टिविटी, तो उनकी एक्टिविटी जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं उनके बीच में, प्रमुख अंतर है।
अंतर तो और भी सारे होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का मतलब हो गया जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में या तमाम रिएक्शंस में जो इनऑर्गेनिक मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, निकल है, प्लेटिनम है, पलेडियम है, ठीक है, कोबाल्ट है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है कि नॉर्मली जो एंजाइम्स ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, खासकर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो हाई टेम्परेचर जोन में पाए जाते हैं, जैसे थर्मल स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वेंट्स में पाए जाते हैं, समुद्र में काफ़ी गहराई में जाएंगे वहाँ भी चट्टानें होती हैं, उनमें दरारें होती हैं, उनको वेंट कहा जाता है, तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहाँ पानी उबलता रहता है। प्लस ऐसे इलाके भी आपको होते हैं जहाँ पर गर्म पानी के झरने होते हैं, सोते होते हैं, स्रोत होते हैं ज़मीन से, गीज़र, उनको गीज़र बोलते हैं, गर्म पानी निकलता रहता है ज़मीन से, तो उसमें भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, खासकर बैक्टीरिया, तो उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो आखिर उतने हाई टेम्परेचर पर भी तो काम कर रहे हैं, तभी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है। तो कुछ एक्सेप्शनली हम कह सकते हैं उसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि वेंट्स में पाए जाते हैं या थर्मल स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जिनके एंजाइम्स जो है वो 80 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी एक्टिविटी शो करते हैं, वो इनएक्टिव नहीं हो जाते, यानी उनका स्ट्रक्चर बहुत ही टफ होता है, जल्दी चेंज नहीं होता है, तो एक तरह से वो थर्मली स्टेबल एंजाइम्स है, थर्मल स्टेबिलिटी दिखाते हैं वो एंजाइम्स, ठीक है। तो वो एंजाइम हमारे बड़े काम के होते हैं, हमको बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी करने पड़ते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर ही होते हैं, तो वहाँ पर उन्हीं एंजाइम्स को हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हाई टेम्परेचर वाले रिएक्शन को कैटालाइज अगर करना है, बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर ही हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको क्लास 12th में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक पढ़ाया जाएगा जिसमें DNA का एक छोटा सा अमाउंट को हम उसकी कई कॉपी बना करके बहुत ज़्यादा अमाउंट बना सकते हैं, उसको DNA एम्प्लीफिकेशन या जीन एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है, ये क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर हमको ऐसे खास तरह के एंजाइम्स जो कि DNA के रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, उसको टैक DNA पॉलीमरेज कहा जाता है, TAQ, वो बताएंगे आगे क्यों उसको टैक बोलते हैं। तो कुछ एंजाइम्स जरूर ऐसे पाए जाते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं, अपनी एक्टिविटी लूज नहीं करते। तो ये एंजाइम कहाँ मिलते हैं? ये एंजाइम स्पेशल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, खासकर बैक्टीरिया में मिलते हैं जो कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाते हैं या थर्मल स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ये भी चीज़ NCERT बुक मेंशन करती है कि एंजाइम्स हैव बीन isolated from organisms who normally live under high temperatures are stable and retain their catalytic power, their catalytic power even at high temperature वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी वो अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन करते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड, तभी ऐसे एंजाइम्स भी हम लोगों ने आइसोलेट किया हुआ है जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं जो कि नॉर्मली दे लिव अंडर हाई टेम्परेचर, और ये एंजाइम्स स्टेबल होते हैं और उनका कैटालिटिक पावर वो रिटेन रखते हैं हाई टेम्परेचर पर भी।
तो ऐसे एंजाइम भी हमने निकाल के रखे हुए हैं और इनका इस्तेमाल हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। खासकर उस एंजाइम का एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हालांकि यहाँ पर भी एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है, टैक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज है ये, डीएनए की रिप्लिकेशन में मदद करता है। खासकर हमको एक कोई जीन दे देगा, बोलेगा इसकी बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करके लाओ अभी तुरंत थोड़ी देर में एक दिन के अंदर, तो वहाँ टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है उस डीएनए जीन क्या है सेगमेंट ऑफ डीएनए उस डीएनए की कई कॉपी तैयार कर देगा। ये हाई टेम्परेचर पर काम करने वाला एंजाइम है, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हाई टेम्परेचर जोन में, तो ये वेंट में पाए जाते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स या हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ टेम्परेचर ही 100 डिग्री के आसपास होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पर जीवित है, तभी ना एंजाइम उसके अंदर पाया जा रहा है, और वो एंजाइम इनएक्टिव नहीं है, वो इसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है। तो इसलिए एक कॉमन सी चीज़ है कि हमारे पास ऑल्दो ज़्यादातर एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाते हैं, डैमेज होने का मतलब डीनेचर हो जाना, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाना, डीनेचुरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन इसको कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ एंजाइम ऐसे मौजूद हैं एक्सेप्शनली जो कि हाई टेम्परेचर पर भी अपना कैटालिटिक फंक्शन मेंटेन रखते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स की इनको कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेंट में और थर्मल स्प्रिंग्स में रहते हैं इनको क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो कि हाई टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं, खासकर इसमें ज्यादातर जो है बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है भी बैक्टीरिया से ही निकलता है, थर्मस एक्वेटिका से, यहाँ टी का मतलब होता है थर्मस और एक्यू का मतलब होता है एक्वेटिकस, ठीक है, एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस एक हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, डीएनए के मल्टीप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम पाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज उसको कहते हैं, और इस बैक्टीरिया से चूंकि निकाला गया है तो इस डीएनए इस क्योंकि हमारे अंदर भी डीएनए पॉलीमरेज है, गधे के अंदर भी डीएनए पॉलीमरेज है, आम के पेड़ के अंदर भी डीएनए पॉलीमरेज है, जहां जहां डीएनए का डुप्लीकेशन होगा उस सभी सेल में डीएनए पॉलीमरेज होगा, इस बैक्टीरिया में भी डीएनए पॉलीमरेज है, और इस डीएनए पॉलीमरेज का नाम क्या रख दिया गया, टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है और अपना काम भी करता है, और इसका इस्तेमाल हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में बताया जाएगा। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे जिनको कि एंजाइम कैटालाइज करता है। देखिए केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के रिएक्शन दिखाते हैं या दो तरह के प्रोसेस दिखाते हैं, केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शन, और दूसरा फिजिकल प्रोसेसेस और फिजिकल रिएक्शन। तो एंजाइम जब हम पढ़ चुके हैं तो एंजाइम की ज़रूरत क्या है ये भी जान चुके हैं कि एंजाइम किसी न किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। हर एंजाइम अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होता है, तो एंजाइम का काम है केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना। हर केमिकल रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम होता है, कभी कभी कुछ एंजाइम कई केमिकल रिएक्शन को भी कैटालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो एंजाइम के कारण चल रहा है, मतलब वरना अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो सारे केमिकल रिएक्शंस भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी सेल के पास नहीं है कि वो अलग अलग सबको दे सके बिना एंजाइम के प्रेजेंस के, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस या टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड्स शो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल दो तरह के चेंजेस दिखाते हैं केमिकल कंपाउंड्स, आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो फिजिकल चेंज होता है
उसमें चेंज इन शेप क्या होगा, ये फिजिकल प्रोसेस होगा, फिजिकल चेंज होगा। उस तरह चेंज इन स्टेट, पानी का बर्फ में चेंज होना, बर्फ का पानी में चेंज हो जाना, ये भी फिजिकल चेंज माना जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि फिजिकल चेंज, चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बने ना बॉन्ड टूटे ना, मतलब बॉन्ड की एग्जिस्टिंग कंडीशन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वहां पर आप फिजिकल चेंज ऑब्जर्व करेंगे। तो चेंज इन शेप, एग्जांपल दे रहा हूं, तो चेंज इन शेप विदाउट, चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, without breaking of bonds, so change in shape without breaking of bonds, अगर ये हो रहा है तो ये भी physical change कहा जाएगा। इसी तरह से change in state of matter, liquid से solid, solid से liquid, liquid से gas, gas से liquid, ये सब physical change होता है। ठीक है, तो दूसरा लिख सकते हैं कि change in state of matter, तो change in state of matter, ये सब लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज हुआ। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ कि आइस से क्या बन रहा है, वाटर, और वाटर से क्या बन रहा है, आइस। आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो एक एग्जांपल हमने दिया है, ये फिजिकल चेंज है और इसी को हम फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये फिजिकल प्रोसेस कहा जाएगा। तो हम यहां पर जो भी एग्जांपल दिखा रहे हैं ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, या इसी को फिजिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। सो दिस इज फिजिकल चेंज, या इसी को कहा जाता है फिजिकल प्रोसेस। ठीक, तो इसमें चेंज इन शेप विदाउट अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है उसमें कोई अल्टरेशन, कोई चेंज नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी बुक में यहां लिख दिया है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी नहीं होगा। नया बॉन्ड ना तो बनेगा ना पुराना बॉन्ड टूटेगा, बॉन्डिंग में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप अगर बदल जाए तो दैट इज फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस। उसी तरह से अगर स्टेट बदल जाता है, स्टेट अगर बदल जा रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जा रहा है, मतलब आइस वाटर में चेंज हो जा रहा है, वाटर आइस में चेंज हो जा रहा है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है या फिजिकल प्रोसेस है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब बॉन्ड टूटेगा और बनेगा तो वो केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज कहा जाएगा, या उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये फिजिकल रिएक्शन भी इसको आप कह सकते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रोसेस, या इसको आप फिजिकल रिएक्शन भी कह दीजिए। ये भी आप देखें, फिजिकल रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और आपने वाटर ही तक क्यों सीमित रखा है, वाटर को आप चेंज कर दीजिए, वेपर में चेंज कर दीजिए, वाटर वेपर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो वाटर से वाटर वेपर को हम, हालांकि वेपर और गैस में तो कुछ अंतर होता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि वाटर का गैसियस फॉर्म क्या होता है, वाटर वेपर होता है। टेक्निकल डिफरेंस है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, केमिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तो डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाटर जब वेपर में चेंज हो जाता है, हालांकि इट इज नॉट अ गैस, तो इसलिए मैं कार्ड भी दे रहा हूँ लिख करके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, लेकिन फिर भी वाटर का वेपर में चेंज होना ये भी एक कौन सा प्रोसेस है, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। वाटर वेपर को कंडेंस कर देंगे तो वो फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी फिजिकल प्रोसेस है। तो वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। अब आता है केमिकल प्रोसेस क्या है, अब हम लोग केमिकल प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल प्रोसेस में भैया बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है। ठीक है ना, तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन और न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल कंपाउंड का। जब नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो वो केमिकल कंपाउंड वही नहीं रह जाएगा, दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये केमिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस क्या होता है ये समझिएगा कि केमिकल चेंज किसको कहेंगे, तो बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें
उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें से कुछ टूटते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी इसमें बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो ये हो गया, ये जो हो गया आप देखते हैं किसमें, केमिकल प्रोसेस में देखते हैं, या ये चीज आप केमिकल चेंज में देखते हैं, या ये चीज आप केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या अंतर होता है, ये एनसीईआरटी बुक समझाने की कोशिश कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक चीज से दूसरी चीज जो आपको दिखाई देती है, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, जबकि फिजिकल चेंज जब होगा तो उसमें एक चीज और दूसरी चीज वहां भी चेंज हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, दो अलग अलग चीजें, बर्फ अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ कोई बॉन्ड नया ना तो बन रहा है ना तो कोई यहाँ पुराना बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ बॉन्ड का बनना और टूटना नहीं होता है, यहाँ सिर्फ शेप का चेंज होना देखते हैं या स्टेट का चेंज होना देखते हैं आप, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में क्या अंतर है इसको समझाया गया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। अब आगे देखें आप कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। आप जस्ट अगर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और दूसरा लिख देते हैं ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक। और वाटर बन जाता है, ठीक है ना। तो आप बेरियम सल्फेट और वाटर बना लेंगे, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर बना लेंगे। अब जाहिर सी बात देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सल्फेट अलग हो गया, यहाँ देख रहा हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, इससे अलग हो बी ए और OH अलग हो गया है, हाइड्रोजन और सल्फेट अलग हो गया, तो बॉन्ड टूटा होगा तभी ना अलग हुआ होगा, और फिर ये सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ गया और ये OH इस H के साथ जुड़ गया, तो आप देख रहे हैं वाटर बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्योंकि यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हिस्सा ले रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कहीं कार्बन नहीं दिख रहा, और सल्फ्यूरिक एसिड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ कहीं कार्बन नहीं दिख रहा, तो ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसमें नए बॉन्ड बने हैं और पुराने बॉन्ड टूटे हैं। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, अब आप पढ़े होंगे बायोमॉलिक्यूल में स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस होगी, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूटेगा ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में, तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का जब हम एग्जांपल देंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का, तो यहाँ स्टार्च का हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे और उससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, मेनी ग्लूकोज। स्टार्च का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा और बहुत सारे ग्लूकोज बन जाएंगे। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा और मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, और स्टार्च आपको मालूम है ये एक मैक्रोबायोमॉलिक्यूल है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है स्टार्च में, दो तरह के चेन होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच चेन, याद करिए। तो ये बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख रहे हैं यही टूट जाता है पानी की मदद से, पानी लगेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, फिर पानी लगेगा तो बॉन्ड टूटेगा, पानी लगेगा तो बॉन्ड टूटेगा, पानी लगेगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रो के प्रेजेंस में लिसिस, मतलब वाटर के प्रेजेंस में लिसिस हो गया। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस, स्टार्च भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक स्टार्च मॉलिक्यूल टूटेगा तो उससे हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसमें पानी जरूरी होता है, बिना पानी के टूटता नहीं, तो इसमें हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है, ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है स्टार्च और ग्लूकोज में कन्वर्जन, ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। अब हम समझेंगे
रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल प्रोसेस और रेट ऑफ अ फिजिकल प्रोसेस। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस या उसको रिएक्शन कहेंगे। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन मींस, क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ये उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बना है, इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन चाहे फिजिकल हो या केमिकल। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहिए या प्रोसेस कहिए या चेंज कहिए इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसी को कहा जाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ एनी प्रोसेस, वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल। ठीक है, प्रोसेस कहो, रिएक्शन कहो, चेंज कहो, एक फिजिकल चेंज का क्या रेट है, एक केमिकल चेंज का क्या रेट है, या फिजिकल प्रोसेस का क्या रेट है, केमिकल प्रोसेस का क्या रेट है, या फिजिकल रिएक्शन का क्या रेट है, या केमिकल रिएक्शन का क्या रेट है, यहाँ चेंज, प्रोसेस, रिएक्शन सब एक ही चीज है, उसका रेट आपको पता करना है। तो देख लो कि यूनिट टाइम में कितना पर सेकेंड कितना प्रोडक्ट बना। अगर पर सेकेंड 5 प्रोडक्ट बना एक केमिकल प्रोसेस में, एक दूसरे केमिकल प्रोसेस में पर सेकेंड 2 ही प्रोडक्ट बना, तो किसका रेट ज्यादा है, जिसमें एक सेकंड में 5 प्रोडक्ट बना, तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट फास्ट है, यानी वो जिस एंजाइम के मौजूदगी में हो रहा होगा एंजाइम तेजी से काम कर रहा होगा। ठीक, उसकी इफिशियंसी ज्यादा अच्छी है क्योंकि एक सेकंड में 5 प्रोडक्ट बनवा दे रहा है, और यहां जो एंजाइम लगा हुआ है वो एक सेकंड में 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो रेट से आपको अंदाजा पता चल जाता है कि प्रोडक्ट फास्ट बन रहा है कि स्लो बन रहा है, पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है कि कम बन रहा है। सो दिस इज रेट। ठीक, आप देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो रेट को वेलोसिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी स्पेसिफिकली हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर कोई भी रेट जो है ना वो टेम्परेचर पर जरूर डिपेंड करता है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन का रेट हो चाहे वो केमिकल रिएक्शन का रेट हो। टेम्परेचर बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है रिएक्शन पर, उसके रेट पर, लेकिन टेम्परेचर का असर सबसे ज़्यादा और लगभग हर रिएक्शन पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर का जिक्र एनसीईआरटी बुक ने किया है, तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो रेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेट या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो रेट या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक जनरल रूल है उस पर साइंटिफिक लिखता है, जनरल रूल ऑफ थंब कि रेट जो है वो डबल हो जाता है या कभी कभी ट्रिपल हो जाता है या कई बार घट के आधा हो जाता है जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो देयर इज अ जनरल रूल, there is a general rule of thumb, ठीक है,
there is general rule of thumb, इसको मत समझना अंगूठे का नियम, ये कहावत है, there is general rule of thumb, क्योंकि बहुत ये व्यापक रूल है, ये हर जगह यूज होता है ये रूल, तो इसलिए इसको जनरल रूल ऑफ थंब कहा जाता है. तो देयर इज अ जनरल रूल ऑफ थंब दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डबल्स और रिड्यूस टू हाफ और डिक्रीज बाय हाफ, डिक्रीजेस बाय हाफ, ठीक है, decreases by half for every 10 degree change, for every 10 degree, for every 10 degree change in temperature, yeah, isko aise bol sakte, for every 10 degree increase or decrease in temperature, increase or decrease in temperature respectively, theek hai, respectively, ye dhyan rakhna hai. तो ये चीज आपको क्लियर रखना पड़ेगा. तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज बाय हाफ, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है. जैसे मान ली, और ये विद इन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज की बात हो रही है, यानी कि कुछ भी टेम्परेचर कर दीजिए, within optimum temperature range, optimum temperature range, जैसे मेरे कहने का मतलब है कोई chemical reaction है, जो है कोई chemical reaction है, जैसे A से B बन रहा है, ठीक है ना, A से B बन रहा है, और ये A से B बनता है, इसका जो optimum temperature range है, मान लीजिए 10 degree centigrade temperature से ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक में ये कन्वर्जन हो सकता है. 10 से कम होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, 40 से ज्यादा होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगा. तो ये टेम्परेचर रेंज हो गया, कि जिस टेम्परेचर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है उसको टेम्परेचर रेंज कहते हैं. तो हम इसको टेम्परेचर रेंज कहेंगे. ऑप्टिमम मतलब हो गया कि सबसे बढ़िया किस पर हो रहा है, तो इसमें मान लो 30 डिग्री पर सबसे बेस्ट होगा या 25 डिग्री पर सबसे बेस्ट होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि ऑप्टिमम इसी टेम्परेचर रेंज के अंदर है, तो इसलिए कई बार इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज भी कहा जाता है, नहीं तो ऑप्टिमम आप हटा भी सकते हैं. और सीधे कहते हैं टेम्परेचर रेंज, ज्यादा सरल है कि ये रिएक्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता रहता है. 10 से कम टेम्परेचर करोगे तो नहीं चलेगा, 40 डिग्री से ज्यादा कर दोगे टेम्परेचर तब भी नहीं चलेगा. यानी ये रिएक्शन अगर देखना है तो तापमान तुमको मीडियम का 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना पड़ेगा, ठीक है. तो ये इसका टेम्परेचर रेंज हो गया. अब यदि हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री, ये मान लो ये जो रिएक्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ए से एक्स बी बन रहा है, यानी बी की एक्स अमाउंट बन रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, यानी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्स प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है. तो ये पहला केस है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा करके 10 डिग्री और बढ़ा दें, यानी हम अब इसका टेम्परेचर क्या कर दें 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो ये रेट डबल हो जाएगा. क्या कहा है, डबल्स. तो यहाँ पर 2x बन जाएगा भी पर यूनिट टाइम, यानी उसी यूनिट टाइम में अब 2x बनने लगेगा, तो रेट डबल हो गया. चलो उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर 30 डिग्री कर देंगे, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो 20 डिग्री पर जितना था भी डबल हो जाएगा, यानी 2x का डबल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा भी. जितने जिस टेम्परेचर पर जो रेट है उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वो डबल हो जाना है. तो इसका डबल नहीं, भैया 20 डिग्री पर 2x था तो 30 डिग्री पर 2x का डबल हो गया, 4x में हो गया पर यूनिट टाइम उसी एक सेकंड में. तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब एक सेकंड में x भी बन रहा था, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी एक सेकंड में अब 2x भी बनने लगेगा. 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बनने लगा, 4x बनने लगेगा, क्योंकि वो 20 के कंपैरिजन में 30 पर आ गया ना. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो डबल होता जा रहा है, और अगर हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे, यानी 30 से घटा करके हम अगर 20 कर दें तो 4x से 2x हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. और अगर 20 से घटा के 10 कर दें, मतलब 10 डिग्री कर दें, तो 2x से x हो जाएगा. तो वही कह रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल होता जाएगा रेट,
और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटाने पर रेट हाफ होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं जनरल रूल ऑफ थंब। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर साइड। तो एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर साइड का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज। ये बात समझ में आ गया, मतलब अगर इसका ग्राफ बनाओ तो अगर तुम कह सकते हो ये ऑप्टिमम है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है, ठीक है ना, 30 डिग्री पर मैक्सिमम रिएक्शन होता है। तो जब तुम यहाँ 20 डिग्री पर आओगे तो ये हाफ हो जाएगा, जब यहाँ पर 40 डिग्री पर आओगे तो भी हाफ हो जाएगा। मतलब ये रेंज में ये तुम पढ़े होगे टेम्परेचर का एक्शन कैसे पड़ता है, तो मैक्सिमा और मिनिमा, एक लिमिट ऑप्टिमम टेम्परेचर से इधर जाने पर भी घटने लगेगा, इधर जाने पर भी घटने लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अगर हर 10-10 डिग्री बढ़ाते जाएं तो डबल होता जाएगा, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जब इधर आएंगे तो हाफ होता जाएगा, या इधर जाए तो भी हाफ होता जाएगा, नीचे उतरते जाए, ठीक है। मतलब फिर से समझो क्या बोल रहे हैं बेटा, हम बोल रहे हैं 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री मान लेते हैं, इस तरह का हमने ग्राफ बनाया, ठीक। तो अब तुम ऐसे ये रेट नाप रहे हैं, ठीक है, ये रेट है। तो 10 डिग्री पर क्या रेट होगा, ठीक, 20 डिग्री पर क्या रेट हुआ, ये मान लेते हैं 30 डिग्री पर मैक्सिमम हो गया, फिर 40 डिग्री पर रेट जो है कम हो गया, फिर 50 पर रेट कम हो गया। मतलब आप देखो 30 डिग्री पर पीक दिख रहा है, तो 30 डिग्री टेम्परेचर से ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम एक्टिविटी दिख रही है, मैक्सिमम एक्टिविटी दिख रही है 30 डिग्री पर। अब जब हम टेम्परेचर घटा के 20 कर दिए तो एक्टिविटी क्या हो गया, रिएक्शन कम हो गया, आधा हो गया, फिर 20 से घटा के 10 कर दे तो रिएक्शन उसका भी रेट उसका भी आधा हो गया। ऐसे ही जब इधर जाएंगे मैक्सिमम से 40 करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और 50 कर जाएंगे तो रिएक्शन और हाफ हो जाएगा, उसका भी हाफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30, इसके इधर भी जाओ चाहे इधर भी जाओ रिएक्शन जो होगा वो डबल या हाफ होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो कैटलाइज रिएक्शन बहुत तेजी से होता है अनकैटलाइज रिएक्शन के तुलना में, यानी कोई रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है कैटलिस्ट के वजह से। जैसे मान लीजिए ए से बी बना नो कैटलिस्ट, ठीक है, तो इसका रेट जो होगा मान लीजिए वो एक्स है, और ए से बी बना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसका रेट वही नहीं रहेगा, इसका रेट चेंज हो जाएगा, और वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यानी सीधा सीधा मतलब है कि कैटलाइज रिएक्शन हाई वेलोसिटी से होता है, इसका रेट ज्यादा होता है अनकैटलाइज रिएक्शन के तुलना में, यानी प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम ज्यादा होगा अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो जाए उसी रिएक्शन पर। यानी अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर कैटलिस्ट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी धीमा हो जाएगा, ठीक है। इसी को एग्जाम्पलीफाई किया है एनसीईआरटी बुक ने। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोनिक एसिड बनता है, और उसके एब्सेंस में भी कार्बोनिक एसिड बन सकता है, लेकिन वो रेट दोनों कंडीशन में रेट का काफ़ी डिफरेंस होता है, उसका जिक्र एनसीईआरटी बुक ने किया है। तो एक रिएक्शन एग्जाम्पल के लिए दिया गया है एनसीईआरटी बुक में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इससे कार्बोनिक एसिड बनाया गया है H2CO3, ठीक है। और चूंकि सेल के अंदर ये रिएक्शन होता है तो सेल के अंदर तो एंजाइम मौजूद होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो उसको आप दिखा देंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करता है द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम द रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है, और केवल 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनते हैं एक घंटे में। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, इन एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम ओनली द रिएक्शन इज वेरी स्लो, यानी ये जो एंजाइम है अगर ये नहीं है दिस रिएक्शन
इज वेरी स्लो। मतलब इसका रेट क्या है, अब आप रेट से अंदाजा लगा लीजिए, 200 प्रोडक्ट बनते हैं H2CO3 पर आवर, एक घंटे में मात्र 200 कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम 200 है, यहां यूनिट टाइम घंटा है, यानी एक घंटे में केवल 200 कार्बोनिक एसिड बन रहे हैं बिना किसी एंजाइम के प्रेजेंस के, ठीक है। कार्बोनिक एंजाइम यहां पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर ये भी चीज आपको ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म सेल के CO2 भी है, वाटर भी है, और उसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो कई गुना ज्यादा होगा, कितना गुना ज्यादा होगा आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 600,000 अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम प्रेजेंस है, मतलब की प्रेजेंस है इन प्रेजेंस ऑफ this enzyme, the reaction is very fast, ये reaction बहुत fast proceed करता है, the reaction proceeds very fast, कितना fast, 600,000 carbonic acid molecule बनेगा एक घंटे में, नहीं एक second में, सोचो घंटे में convert करो तो कितना हो जाएगा, fast, यानी कि जो रेट हो जाएगा वो रेट हो जाएगा 600,000, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सैकड़ा हजार लाख 600,000 कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनेगा, ये किसमें दिया है, पर आर में दिया हुआ है, एक घंटे में 200 या एक सेकेंड में 600,000 कार्बोनिक एसिड एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है, यानी एंजाइम कितना आसानी से रेट को बढ़ा दे रहा है, ये बात समझ भाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो एंजाइम होता है ये कई जगह पाया जाता है, बट एनसीईआरटी मेंशन करती है इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, तो कार्बोनिक anhydrase is present in cytoplasm of cell, और खास करके रिएक्शन आपको आरबीसी के अंदर देखने में मिलेगा, हालांकि नॉर्मल सेल के अंदर भी रिएक्शन होता है, आरबीसी के अंदर प्रोमिनेंटली ये रिएक्शन चलता है, प्लाज्मा में भी, ब्लड के प्लाज्मा में भी एंजाइम होता है, बट उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो ने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, अगर आप तुलना करें, मतलब कहां 200 प्रोडक्ट बना पर आवर और कहां 600,000 प्रोडक्ट बना पर सेकंड, अगर आप इसको कंपेयर करें, तो अगर इसको भी आप बदल दें किसमें, सेकंड में, आप तब देखेंगे कितना बना, यानी जब एक घंटे में इतना बन रहा है तो इसको या तो इसको सेकंड में बदल दो या इसको आर में बदल दो, तो जब कंपेयर करोगे तो देखोगे कि एंजाइम के प्रेजेंस में 10 मिलियन टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो आप यह ध्यान रखेंगे 10 मिलियन, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सीलरेटेड अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर के बीच में रिएक्शन से जो कार्बोनिक एसिड बना, एंजाइम के मौजूदगी में, एंजाइम जब नहीं था उसके कंपैरिजन से 10 मिलियन ज्यादा रफ्तार से बना, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना एक तरह से वास्टली ये रेट इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक ने समझा है कि ये अनकैटलाइज रिएक्शन का रेट और एक कैटलाइज रिएक्शन के रेट में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यहाँ एग्जांपल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन का, और जो एंजाइम यहाँ लिया गया वो था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको समझा दिया गया, और यहाँ पर
जो पावर ऑफ एंजाइम है इट इज इनक्रेडिबल इंडीड. आपको दिख ही रहा है कि पावर कितना जबरदस्त है एंजाइम का, ठीक है, इनार्मस पावर है, इनक्रेडिबल पावर है एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए. और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर. तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे देर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटलाइजिंग यूनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है. तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटलाइजिंग यूनिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस. ये आपको हजारों एंजाइम्स होते हैं, एक सेल के अंदर एक दो एंजाइम नहीं होते, मतलब हजारों एंजाइम्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. तो इसी तरह से और भी एग्जांपल है कैटालिटिक रिएक्शन के. मेटाबॉलिक पाथवे का एक बार फिर से जिक्र हो रहा है. मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप हों और हर स्टेप एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स से या डिफरेंट एंजाइम से कैटालाइज हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. तो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, तो मेटाबॉलिक पाथवे जिसको हम पहले भी समझा चुके हैं, एक बार फिर से उसका जिक्र हो रहा है. तो ये मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है. तो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय वेयर ईच स्टेप इज कैटालाइज्ड, ठीक है ना, कैटालाइज्ड बाय, याद रखिए अमेरिकन इंग्लिश और क्वींस इंग्लिश. क्वींस इंग्लिश में एस होता है, जो अमेरिकन इंग्लिश होती है वहाँ जेड होता है. तो स्पेलिंग गलत नहीं होती है, कई बार जेड लिखे कई बार एस. अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो एस लिखेंगे, मतलब क्वींस इंग्लिश. जब अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो जेड लिखेंगे. तो किताबों में कहीं जेड लिखा मिलता है, कहीं एस लिखा मिलता है. आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जेड लिखे एस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन वेयर ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम. सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सेम एंजाइम ही कैटलाइज कर रहा हो तो उसको कॉम्प्लेक्स बोल देंगे. सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स, और डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है, इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक पाथ. तो मेटाबॉलिक पाथ में क्या है? मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन वेयर ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक पाथवे. जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ग्लाइकोलिसिस आगे पढ़ेंगे, वो 10 स्टेप रिएक्शन होता है. ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, अलग अलग ये स्टेप्स होते हैं और फाइनली पायरुविक एसिड बन जाता है. लगभग ये 10 स्टेप का होता है. तो उसको एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि यहाँ पर C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और ये ध्यान रखना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है, ये O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो C3H4O3 टू मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड प्लस आप यहां मेंशन कर देंगे वाटर H2O, ये आपको ध्यान रखना है. तो ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गया. ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. आप देखते हैं ऑक्सीजन यहां दिख रहा है, तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गया, ठीक. और ये आपको दिख तो एक रिएक्शन रहा है, लेकिन ये वास्तव में एक मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप्स हैं. ये उसकी समरी है, समझिए 10 स्टेप में से बैलेंस करके फाइनली लाया गया है ये इक्वेशन, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है, इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है. तो इज, तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है. इट इज अ 10 स्टेप, इट इज अ 10 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे, 10 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे. पूछेगा कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे,
एंड ईच स्टेप इज कैटालाइज बाई डिफरेंट एंजाइम्स एंड ईच स्टेप इज कैटालाइज बाई डिफरेंट एंजाइम्स. तो ध्यान रखना है, ठीक है. And each step is catalyzed by different enzymes. Where each step is catalyzed by different enzymes. By different enzymes. अलग अलग एंजाइम से. मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, और एक दो स्टेप इसमें अगर और ऐड हो जाए तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. मान लो 10 स्टेप का था, अब इसमें एक दो एडिशनल स्टेप आ जाएंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, जाहिर से बदल जाएगा, ठीक है ना. तो उसको भी एग्जाम्पलीफाई किया है एनसीईआरटी बुक में. तो अब यहां जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्केलेटल मसल है उसमें अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो पार्विक एसिड से आगे लैक्टिक एसिड बन जाता है, एक स्टेप और बढ़ जाता है. तो यहाँ लिख लेंगे इन आवर इस स्केलेटल मसल्स लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड. ये भी पहले जिक्र हो चुका है. तो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन, अंडर एन एरोबिक कंडीशन. तो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. और जबकि नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में क्या बना था, एरोबिक कंडीशन में पार्विक एसिड बना. तो एरोबिक कंडीशन में पार्विक एसिड बना था, और अगर यही एनारोबिक कंडीशन में होगा तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा. तो ये ध्यान रखना है, ठीक है. और अगर यही ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर हम ईस्ट की बात करें, इन ईस्ट इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म, लैक्टिक एसिड का क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा. इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म अंडर एनारोबिक कंडीशन, अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है. तो मतलब आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक. अगर एरोबिक कंडीशन है तो पार्विक एसिड बनेगा, ठीक. ये 10 स्टेप प्रोसेस, इसमें 10 स्टेप में बनता है. लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन है यानी नो ऑक्सीजन, तो दो केस हो गया, ठीक. इन स्केलेटल मसल की बात करें तो वहां लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक. और अगर ईस्ट सेल की बात करें तो उसमें क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक. तो ग्लूकोज से आप देख रहे हैं पार्विक एसिड बन रहा है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, या ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन रहा है. यहां 10 स्टेप में बन रहा है, ये मान लीजिए 11 स्टेप में बनेगा, ये 12 स्टेप में बनेगा, या 11 स्टेप में बनेगा, यानी एक दो एडिशनल स्टेप और आ सकते हैं उसी मेटाबॉलिक पाथवे में. यानी जब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा तो रास्ते में पार्विक एसिड तो आएगा, यानी ये स्टेप तो होगा ही, बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा. उसी तरह से जब ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनेगा तो पार्विक एसिड तक तो आएगा ही, प्लस एक या दो स्टेप और ऐड हो जाएगा तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. वही एनसीईआरटी लिख रही है कि जो रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में उसमें एडिशनल एक दो स्टेप और ऐड हो सकते हैं और प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, वेरियस प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं. तो ग्लूकोज से पार्विक एसिड, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाया जा सकता है. अब एनसीईआरटी बुक ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे एंजाइम किसी रिएक्शन को इतने फास्ट रेट से अंजाम देते हैं, मतलब कि कैसे इतना फास्ट रेट से प्रोडक्ट बनता है, उसके बीच उसका मैकेनिज्म क्या है. तो देखिए यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो एंजाइम होता है
वो टर्शरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, पहले ही बता चुके हैं, और उसमें एक्टिव साइट होता है, ठीक है ना। तो ये एंजाइम में एक्टिव साइट होता है एंजाइम के अंदर, ठीक है, ये एंजाइम है। और एंजाइम क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं तो हम प्रोटीन ही कंसीडर कर रहे हैं एंजाइम को, और एंजाइम का ये 3D स्ट्रक्चर में आपको, एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, और उसमें आपको एक्टिव साइट मिलेगा, उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, 3D स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंजाइम दिखाते हैं और उसमें एक्टिव साइट होता है, और इसी एक्टिव साइट में जो केमिकल जाके फिट होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट जा करके इसमें फिट होता है और इसमें से ही प्रोडक्ट बनते फिर वो निकलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में डिफ्यूज होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि सबस्ट्रेट कितना देर में पहुंच रहा है एंजाइम के पास, यानी ये सबस्ट्रेट को एंजाइम तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, यानी ये डिफ्यूज जो हो रहा है कितना फास्ट हो रहा है, यानी एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट कितना फास्ट पहुंच रहा है, कितना फास्ट डिफ्यूज हो रहा है। और अगर यहाँ पहुंचने में ही समय लग गया और ये यहाँ आने के बाद जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो गया तो भी आपको टोटल अगर टाइम देखेंगे तो ज़्यादा समय लग गया, यानी इसमें यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लिया, भले ही प्रोडक्ट जल्दी बन गया तो टोटल टाइम तो ज़्यादा हो गया ना पहुँचने, और जब जल्दी पहुँच जाए और जल्दी बन जाए तो टाइम बहुत कम कंज्यूम हुआ, तो डिफ्यूजन भी फास्ट होना चाहिए। तो कोई भी सब्सट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में जब पहुँचता है तो वो डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन रेट पर, एंजाइम कितना तेजी से इसको खींच ले रहा है, यानी इसकी एंजाइम के प्रति एफिनिटी, आकर्षण कितना ज़्यादा है। अगर आकर्षण ज़्यादा होगा तो जल्दी से खींच जाएगा, यहाँ चल जाएगा, अगर आकर्षण ज़्यादा नहीं है तो बहुत धीरे धीरे पहुँचेगा। और ये और सब्सट्रेट जब यहाँ आ गया तो यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, वो एंजाइम एफिशिएंसी है। क्या है वो? एंजाइम एफिशिएंसी। तो मान लो एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट है लेकिन सब्सट्रेट बहुत देर में वो खींच पा रहा है अपने पास, तो टोटल टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। तो एंजाइम जो सब्सट्रेट होता है वो सब्सट्रेट पहुँचेगा एंजाइम के एक्टिव साइट में, एंजाइम के एक्टिव साइट में जाएगा और वहाँ जा करके वो किस में चेंज होगा, वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, और जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उस प्रोडक्ट से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। लेकिन आपको टोटल जोड़ना पड़ेगा ना, आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ सब्सट्रेट कितना समय में एंजाइम के एक्टिव साइट में पहुंचा, वहां से कितना देर में प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ये दोनों टाइम काउंट करेंगे आप, ठीक है। अगर ये टाइम ज्यादा लग गया, ये जल्दी हो गया तो इसके वजह से लेट हो गया, ठीक। मान लो कई बार कुछ एंजाइम के साथ क्या होता, सब्सट्रेट जल्दी जाके बैठ गया, अट्रैक्शन फास्ट है लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्लो हो रहा है तो भी ज्यादा टाइम लग गया। तो एक बेहतर, एक अच्छा एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है जो अपने सब्सट्रेट को तेजी से अट्रैक्ट भी कर ले और तेजी से प्रोडक्ट भी बना दे, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है सब्सट्रेट का एंजाइम के एक्टिव साइट में डिफ्यूज होकर के जाना, और जब एंजाइम के एक्टिव साइट में वो पहुंच जाता है सब्सट्रेट, तो फिर उस सब्सट्रेट में के स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन होता है। यानी कि आप मान लो ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, इसमें सब्सट्रेट आकर के फिट हो गया, ठीक है, ये मान लो सब्सट्रेट आकर के फिट हो गया, तो उसके बाद सब्सट्रेट इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेजेस दिखाता है, ठीक है। अब मान लो ये सब्सट्रेट इसके अंदर कुछ शेप में चेंज दिखाएगा, देखो ये थोड़ा सा चेंज दिखाया इसके एक्टिव साइट में, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है, ये सब्सट्रेट है। सब्सट्रेट का एक और ट्रांजिशन स्टेट है, सब्सट्रेट तुरंत प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगा, वो कई ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए, कई ट्रांजिशन स्ट्रक्चर से, कई ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर से होके वो गुजरेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई ऑल्टर्ड स्टेट से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक उसको मेंशन करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सट्रेट का प्रोडक्ट में वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो कई ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए वो गुजरता है, ठीक है। और ये सारे ट्रांजिशन स्टेट्स जो होते हैं ये ट्रांजिएंट होते हैं, बहुत मतलब कुछ समय के लिए होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कन्वर्जन होगा,
ये अब ऐसे हो गया और फाइनली फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, फाइनली फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब हम यहां प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया ठीक, और ये प्रोडक्ट बन करके बाहर आ गया और एंजाइम अलग हो गया। एंजाइम क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहां आपने क्या सीखा कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये दोनों मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं आपको। और एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट के वेरियस ये ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं, वेरियस ट्रांजिशन स्टेजेस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ठीक, वेरियस ट्रांजिशन स्टेजेस ऑफ सबस्ट्रेट ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेज ऑफ सबस्ट्रेट होते हैं इनको अल्टर्ड स्ट्रक्चरल, अल्टर्ड ये ध्यान रखना है, इनको अल्टर्ड स्ट्रक्चरल, इनको अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स कहा जाता है। तो वेरियस ट्रांजिशन स्टेजेस ऑफ सबस्ट्रेट और अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेजेस ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबस्ट्रेट और ये फिर ये प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। और प्रोडक्ट और ये एंजाइम है, तो थोड़े देर के लिए आपको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी दिखेगा। और इसको आप कह सकते हैं ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसको आप ES1 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, इसको आप ES2 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट का ही अल्टर्ड फॉर्म है, ये सबस्ट्रेट का ही अल्टर्ड फॉर्म है, यानी सबस्ट्रेट जब जाता है तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते हैं, पहले थोड़ा सा चेंज होगा तो उसका एक अल्टर्ड फॉर्म बना, तो इसको ES1 कॉम्प्लेक्स बोल दिया, फिर इसमें थोड़ा और चेंज हुआ, सबस्ट्रेट में ही ना चेंज हो रहा है तो एक और अल्टर्ड फॉर्म बन गया, तो ये ES2 कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये अभी घुसा है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसको ES कॉम्प्लेक्स बोल दिए। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद सबस्ट्रेट में थोड़ा थोड़ा अल्टरेशन होता रहता है, तो उसके डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेजेस बनते हैं, उनको ES1 कॉम्प्लेक्स, ES2 कॉम्प्लेक्स, ES3 कॉम्प्लेक्स, ES4 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है उसी एक्टिव साइट में। तो जितने देर तक प्रोडक्ट उस एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है उसको EP कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट अलग हो जाता है ठीक है एंजाइम से। तो इस तरीके से एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाने के बाद वो प्रोडक्ट में कैसे चेंज होता है वो बताया गया है। और ये सारे स्टेजेस ट्रांजिएंट होते हैं, ऑल आर ट्रांजिएंट, मतलब काफी देर तक नहीं होते, थोड़े थोड़े देर के लिए होते हैं। ऑल स्टेजेस आर ट्रांजिएंट, मतलब ये जो ES कॉम्प्लेक्स देख रहे हो थोड़े समय के लिए ये दिखेगा, थोड़ी देर बाद तुमको ES कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा, थोड़ी देर बाद ES2 कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा, थोड़ी देर बाद EP कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा। तो ES कॉम्प्लेक्स, ES1 कॉम्प्लेक्स, ES2 कॉम्प्लेक्स, EP कॉम्प्लेक्स ये कितने देर तक देखोगे? बहुत ही तब क्षणिक क्षणिक होगा, ये बहुत थोड़ी देर के लिए होगा। यहां मैं बोर्ड पर बना दे रहा हूं आपको, उतने देर में भी नहीं, उतना देर तक भी नहीं दिखाई देगा। तो ये ट्रांजिएंट होता है और ये ऑब्लिगेटरी, ES कॉम्प्लेक्स बनना तो ऑब्लिगेटरी है, पहले जब तक ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ES1 कॉम्प्लेक्स कहां से बनेगा? तो एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करता है कि जो ऑब्लिगेट फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स होता है और ऑब्लिगेट फॉर्मेशन ऑफ EP कॉम्प्लेक्स भी होगा, और बीच में जो डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेजेस होते हैं, कुछ एंजाइम्स के केस में चार चार ट्रांजिशन स्टेजेस बनते हैं, कुछ एंजाइम के केस में दो ही बनते हैं, जैसे यहां पर दो ही दिखाया ES1 और ES2। तो इस तरीके से एंजाइम अपने एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को बुलाता है, वहां उसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंज लाता है, दो बार तीन बार चार बार, तब प्रोडक्ट में चेंज होता है ठीक है। तो इस तरीके से एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी केमिकल को प्रोडक्ट में चेंज करता है उसका मैकेनिज्म समझाया गया।